अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेमेडी बताने लगी हूँ, जो कि आपके बालों को नेचुरली बरगंडी कलर का लुक देगी। आपको कोई भी बाल डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके बाल ख़राब होंगे, बल्कि इस पैक से आपके बाल जैसे का आप बरगंडी कलर चाहते हैं वैसे का ही हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं तरीका बताती हूँ इसको कैसे बनाना है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और इसमें हमने पानी ऐड करना है 2 कप। ठीक है, ये देखें। इस दौरान जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पत्ती, जो चाय की पत्ती होती है वो, आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की। और इसमें 5 से 6 दाने हमने डालने हैं लौंग। उसके बाद हमने लेना है 1/2 टीस्पून मेथी दाना। आपने ये देखें मोटा है मेथी दाना लेना है, बारीक नहीं लेना। ठीक है, अब इसको हमने इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने इतना पकाना कि ये 1 कप रह जाए। ठीक है, अब इसको हम पकने देंगे। आपने यहाँ पे वीडियो एंड नहीं कर देने का, यही पानी हमने इसमें ऐड करना है, आगे और भी बहुत चीज़ें ऐड करनी है, इसलिए आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखें। ये देखें, यहाँ पे 1 कप रह गया हमारा पानी। अब यहाँ पे हम लेंगे मेहंदी। ठीक है, और मेहंदी जो होती है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ये नेचुरल है। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 लेमन। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही के। ठीक है, यहाँ पे हमने दही ऐड कर लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप हेयर मास्क को लाजमी अप्लाई करें, ये बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट देगा, यकीन माने। और जो ये आप कलर वगैरह करते हैं, इससे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और बाद में ऐसे रूखे से हो जाते हैं रूट से, लेकिन इस पैक से आपके बाल बहुत ही सिल्की नरम और मुलायम हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके इस पानी ऐड कर देना है। ये देखें, एकदम से सारा नहीं ऐड करना, ऐसे हमने इसको मिक्स करते रहना है। यहाँ पर मैं सारा पानी ऐड करूँगी। तो जिस तरह से ये देखें, यहाँ पर देखें ये जो हमारा मेथी दाना किस तरह फूल गया, मतलब कि इसका सारा असर निकल गया है। अब इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे और, ताकि सारा पानी निकल आए। अगर आप ज़्यादा कलर चाहते हैं तो आप दिन में किसी भी टाइम लगा के 3 से 4 घंटे लाजमी रखें, ताकि इसका अच्छे से कलर निकल आए। इस पैक को बनाने के बाद आपने 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है, ताकि इसका असर जो है अच्छे से निकल आए। फिर आपने इसको बालों में अप्लाई करना है और 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब तक सूख नहीं जाते इसको वैसे ही रहने दें, जब सूख जाएगी फिर आप इसका रिज़ल्ट देखना, आपको कितना ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा और आपको पार्लर वगैरह जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए जी, हमारी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, बिल्कुल भी, मतलब कि नरम मुलायम, जैसे मुलायम थिक सा होता है ना पेस्ट, वैसे इसको बनाना है। ठीक है, और फिर इसको रेस्ट के 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। फिर रेस्ट कर 1 घंटे के बाद आपने इसको अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।